नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 10 के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात रेवल सिद्धि नाम के एक होटल में आग लग गई। आग रात करीब 1 बजे लगी। होटल में कर्मचारी उस समय सोए हुए थे। अचानक आग लगने से कर्मचारी बुरी तरह से आग में गिर गए। इसमें 3 कर्मचारी झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 की मौत हो गई और 1 का इलाज चल रहा है। चक्रवात बिपोरजॉय को 15 जून को गुजरात तट पार करने की संभावना। इस बीच पता चला है कि अरब सागर में शुरू होने और लंबा समय बिताने वाला यह पहला चक्रवात है। 1965 से ऐसा पहली बार है जब कोई चक्रवात पश्चिमी राज्यों को हिट करेगा। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सूरजमुखी के बीज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग को लेकर आज फिर नेशनल हाईवे पर किसान एकत्र होने लगे हैं। सोमवार को कुरुक्षेत्र के पीपली में महापंचायत के बाद अपनी मांग को लेकर नेशनल हाईवे को बाधित कर दिया गया था। जुहू बीच पर समंदर में नहाने उतरे 5 से 4 लड़के डूब गए हैं। ये 5 समंदर में अटखेलियां करते हुए करीब आधे किलोमीटर अंदर तक चले गए थे। समय रहते नजर पड़ने पर वहां मछली पकड़ रहे मछुआरे ने एक लड़के को तो बचा लिया है, लेकिन बाकी के 4 अभी भी लापता है। उनकी तलाश के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड के ड्राइवर्स को बुलाया गया है। समंदर में गहराइयों में इन 4 लड़कों की तलाश अब कराई जा रही है। अरब सागर में उठ रहे तूफान बिपोरजॉय का असर भारतीय समुद्री तटों पर भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के कोकण से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें समुद्र में ऊंची ऊंची लहरों के बीच लोग बहते हुए नजर आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक समुद्र के किनारे से दूर रहने को कहा है। हालांकि इस चेतावनी के बाद भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोकण के रत्नागिरी के गणपति पुल से यह खतरनाक वीडियो सामने आया है। बॉलीवुड डायरेक्टर ओम राउत जल्द ही अपनी नई फिल्म को लेकर आ रहे हैं। प्रभास कृति सेनन के अभिनय से सजी फिल्म को पहले से फैंस का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को रामायण के बैकड्रॉप पर बनाया गया है। इस फिल्म में सैफ अली खान मेन विलन के रोल में हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोमवार को 39 साल की एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट ने पहले अपनी मां की हत्या की और फिर शव को ट्रॉली बैग में भरकर थाने पहुंच गए। सूटकेस में लाश देखकर पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए। यह घटना बेंगलुरु के एक आवासीय अपार्टमेंट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत अमेरिका के बीच संबंधों के साथ साथ कई और मायनों में भी यह यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। 1 महीने से अधिक समय के बाद भी मणिपुर में हालात पटरी पर नहीं लौटे हैं। राज्य में लगातार हिंसा की घटना देखने को मिल रही है। सोमवार को भी राज्य में हिंसा देखने को मिली, जिसमें 1 शख्स की मौत हो गई। देश में अप्रत्यक्ष करों को समाहित करके जुलाई 2017 में माल और सेवा कर की व्यवस्था लाई गई थी। इस कर व्यवस्था में समय समय पर बदलाव करने या इससे जुड़े निर्णय लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसकी अब की बार 25वीं बैठक होने जा रही है। ये इसी महीने होनी है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें, और आज की लगातार खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।